वनडे विश्व कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है। सभी टीमें कम से कम एक मैच भी खेल चुकी हैं, लेकिन इस विश्व कप में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इसकी कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। अब खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई भारत पाकिस्तान मैच के दौरान ओपनिंग सेरेमनी की कमी पूरी करने जा रहा है। ये कोई आधिकारिक ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, लेकिन इस मैच के दौरान क्रिकेट जगत और बॉलीवुड के कई सितारे अहमदाबाद स्टेडियम पहुंचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और रजनीकांत ये मैच देखने स्टेडियम पहुंचेंगे। वहीं दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी स्टेडियम में रहकर ही ये मुकाबला देखेंगे। लोकप्रिय गायक अरिजीत सिंह मैच के दौरान अपनी परफॉर्मेंस भी देंगे। मैच के दौरान आतिशबाजी भी होगी या लेजर शो भी हो सकता है। हालांकि इस बारे में बीसीसीआई या आईसीसी ने कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी है। विश्व कप की शुरुआत से पहले खबरें आई थी कि इस टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसमें रणवीर सिंह, तमन्ना भाटिया, आशा भोसले, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल परफॉर्म करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और विश्व कप की ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। बाद में खबरें आई कि ओपनिंग सेरेमनी भले ही न हुई हो, लेकिन इस टूर्नामेंट की क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन भी किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान का मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत हासिल कर सेमीफाइनल के लिए अपनी राह आसान करना चाहेगी। वनडे विश्व कप में टीम इंडिया अब तक पाकिस्तान से कोई मैच नहीं हारी है, जबकि 7 बार पड़ोसी देश को मात दी है। इस बार भारत का लक्ष्य 8वीं जीत हासिल करने का होगा। भारत ने अपने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की है। पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया था। वहीं दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भी टीम इंडिया जीत की दावेदार मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।